हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करूंगी एक हेल्दी एंड क्विक चिली रेसिपी जो मैं मोस्टली बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और स्नैक्स टाइम पे। ये हेल्दी चीला बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स पाउडर, गाजर और बीटरूट। सबसे पहले हम ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। ये पाउडर मैं एडवांस में बनाकर रखती हूँ, बट आज आपको दिखाने के लिए मैं इसको फ्रेश बना रही हूँ। मैं ये चीला रेगुलर बनाते ही रहती हूँ, इसीलिए मैं इस पाउडर को हमेशा रेडी करके फ्रिज में रखती हूँ। इस पाउडर को हम आराम से एक या दो हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर हम गाजर और बीटरूट को पील करके चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। मैं गाजर भी हमेशा अपने पास अवेलेबल रखती हूँ। आप दोनों सीजन की गाजर से ये चीला बना सकते हैं। फिर अब हम गाजर और बीटरूट के मिक्सचर में सारे इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन ऐड करते हैं। अब हम इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के हमें फिर से इस पेस्ट को ब्लेंड करना है, बट आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें एक थिक पेस्ट ही चाहिए। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। मैं ये पेस्ट बस 5 या 6 चीलों के लिए ही बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अब गैस ऑन करके तवे को मीडियम हीट पे गरम करने के लिए रख देंगे। फिर हम इसमें घी अप्लाई करेंगे।
मैं इन चीलों को घी में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। अब आप इसमें एक लैडल भर के पेस्ट डाल दें। चीलों को हमेशा मीडियम हीट पे ही पकाएं ताकि वो अंदर से भी ठीक से पक सकें। एक साइड से पकने पर ऊपर वाली साइड भी घी अप्लाई करके और चीले को पलट देंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से पकने के बाद रेडी हो जाएगा हमारा चीला। चीला रेडी होने के बाद आप इसको दूध और सॉस के साथ सर्व करें। मेरे बच्चे इसको सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको सॉस के साथ उन्हें देती हूँ। आप इस चीले को चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको और आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।